नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत आज है 13 अक्टूबर और टाइम हो रहा रात के 12 बजे, मार्केट ऑफ है इस टाइम पर। बट एक कंपनी का शेयर का बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमेगर का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट दिख रहे हैं बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न देगा और ये कंपनी अब अप ट्रेंडिंग के साथ जाएगी डेफिनेटली। जिस तरह से ये अब लाइफ टाइम हाई पे जा रही है, तो मुझे लगता है इसमें और भी अप ट्रेंड आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं निफ्टी और जिस तरह से क्योंकि बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमार्स लिमिटेड का जो काम है, जो वर्क वो करती है, उसका वर्क की डिमांड है डेफिनेटली इंडिया के अंदर, क्योंकि दो ही कंपनी की इंडिया के अंदर वर्किंग में, और पॉली बंसाली इंजीनियरिंग का इसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करते हैं, सेल्स फिन भी अच्छे, क्योंकि जिस तरह से प्लास्टिक को डिज़ाइन करती है। देखिए मैं आप समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, बंसाली इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए ये बंसाली इंजीनियरिंग की मैं वेबसाइट ओपन करके, तो बेसिकली जो ये प्लास्टिक ABS का जो प्लास्टिक होता है, ये एक थोड़ा सा हाई क्वालिटी और अलग तरीके का प्लास्टिक होता है, जिससे क्या होता है कि देखिए इस प्लास्टिक से क्या क्या बनता है। ये देखिए आपने देखा गैजेट बनते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी भी, देखिए ये यूज़ किस किस में होता है, ठीक है, टॉय स्विच कंटेनर मिक्स ग्राइंडर वॉल्यूम, ये देखा होगा ना आपने जिस तरह के प्लास्टिक होता है। इस तरह के प्लास्टिक को बनाने के लिए ABS का यूज़ होता था, और ABS को डिज़ाइन यानी कि जिस बंसाली इंजीनियरिंग इसी प्लास्टिक के अंदर डील करती है, ठीक है। कंपनी का काम ये है ABS प्लास्टिक को लेके, ये दो तीन तरह के प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक हो गया इनका, ABS प्लास्टिक स्पेशलिस्ट, तो ये तरह के कुछ तरह के इनके प्लास्टिक्स का, ये पर्टिकुलर ये दो ही कंपनी इंडिया के अंदर जिनके पास प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर किसी को भी ABS प्लास्टिक की ज़रूरत होगी, ठीक है, अपने व्हीकल या कुछ भी बनाने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये AC हो गया, ये कार के इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, हेलमेट्स हो गए बाइक के लिए, जितना भी प्लास्टिक यूज़ होगा तो उसमें ABS प्लास्टिक डेफिनेटली लगता है, क्योंकि आपने आसपास देखा हो जितने गैजेट चल रहे हैं उनमें ABS प्लास्टिक का यूज़ हुआ होगा, तो बंसाली इंजीनियर उसके अंदर डेफिनेटली वर्किंग में हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाने वाला, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब समझते हैं दूसरी बात क्या है इसके अंदर। ये तो मैंने आपको समझा था कंपनी किस वेंचर में वर्क करती है, कंपनी का क्या है, कंपनी का किस तरह से आप समझ सकेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, UPS बैटरी हाउसिंग, इन सब में कंपनी इस प्लास्टिक का यूज़ होता है, टू व्हीलर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये कुछ प्लास्टिक हैं जो पर्टिकुलर बनते हैं, तो ये तो ओवरव्यू है कि किस प्लास्टिक के अंदर कंपनी काम करती है। क्या आपको लगता है इस प्लास्टिक की डिमांड रहेगी, और आपको समझ सकते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाकी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसमें ABS प्लास्टिक और बंसाली इंजीनियरिंग का डेफिनेटली ग्रोथ है, ठीक है। अब समझते हैं इसका ओवरव्यू, समझते हैं आज का क्या है इसके अंदर। ये देखिए मैंने गूगल पे ने इसका ओवरव्यू खोल लिया बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमार्स लिमिटेड का, तो देखिए ये ओपन होता है आज 221 रुपये, हाई मारता 222.50 रुपये का, लो मारता 209.30 रुपये का, 52 हाई है इसका 222 रुपये, इसने अपना आज अपना 52 हाई तोड़ा है, ठीक है। इसका 52 लो है 70.20, ठीक है। तो बेसिकली ये है, अब समझते हैं कि भाई ये बंसाली के अंदर आज कितना मार्केट के NSE के अंदर कितना ट्रेड हुआ है। ये देखिए 41% आज इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, यानी 41% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। क्यों? क्योंकि आज इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो आया था, अभी रिजल्ट के ऊपर ही बात करेंगे हम, पहले इसका और चीज़ समझते हैं। ये देखिए मैं मनी कंट्रोल की साइट पर आ गया हूँ, तो हमें इसे बंसाली के अंदर, ये देखिए आज बंसाली का आज जो रिजल्ट आया था सुबह 10:10 पर आया था, ठीक है। तो ये देखिए इसने सितंबर के अंदर नेट सेल करी है 334 करोड़, और अप हुआ ईयर ईयर वाई 21%, इसका रिजल्ट अप आया है, ठीक है। इधर हमें 83% इसमें हमें बाय करने के लिए बोले हैं, 9% हमें इन्वेस्टर्स में सेल करने के, 8% में होल्ड करने के, ओनली 9% हमें सेल करने के लिए बोले हैं एनालिसिस के अंदर। अच्छा शेयर होल्डिंग समझ लेते हैं, देखिए प्रमोटर के पास है 56.45%, पब्लिक के पास है 41.66% है, और इसमें FIs के पास भी है 1.88, DIs के पास नहीं, FIs के पास इसमें होल्डिंग, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू हो गया, अब समझते हैं, अब मैं स्कैनर के साइड पर आ गया, इसका ओवरव्यू और अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग, इसका इसका फाइनेंशियली भी समझते हैं सब। तो इसका मार्केट कैप है 3,447 करोड़ का, PE थोड़ा डाउन है, ROC इसका अच्छा है, ROE भी अच्छा है इसका, और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है,
अब इसके और से कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा मुफ्त ही देखे, कर्जा फ्री है, ठीक है, गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, CAGR भी इसका अच्छा आ रहा है, ठीक है, कंपनी गुड रिटर्न दे रही है, आर ओ के अंदर 33.70% का आर ओ रिटर्न दिया इसने 3 साल के अंदर, ठीक है। बस इसका कर्जा चुकाने का जो डेज है वो बढ़ रहा है, बाकी उसमें सारा कंपनी के अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब समझते हैं इसका, देखिए ये देखिए इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट है, अब समझिए इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट। देखिए मार्च के अंदर इसका जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट है, इसके अंदर देखिए 219 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं जून के अंदर 101, वहीं सितंबर के अंदर फिर इनकी सेल्स बढ़ी होगी। देखिए इनके सेल्स में जैसे इनके सेल ग्रो होते हैं, इनका प्रॉफिट भी ग्रो हो जाता है। तो देखिए इस क्वार्टर जो सितंबर का सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया इनका, तो इसमें 164 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ है। ईयर ईयर वाइज इनका देखिए, जब ये 21% है, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर के अंदर 46 करोड़ का प्रॉफिट होता, वही देखिए इस बार इनका 164 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इनका EPS भी ग्रो किया है, देखिए पिछले EPS इनका था 4.66, इस बार है 7.45, ये EPS भी ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट भी इनका अप है, ठीक है। ये तो क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट है। अब देखिए ईयर ईयर वाइज, ये देखिए मार्च के अंदर, देखिए मार्च 2019 के अंदर इनका ईयर में 79 प्रॉफिट था, वहीं मार्च के अंदर इनका 86 था, वहीं मार्च 2021 के अंदर 447 करोड़ का इनका, अभी तक इसने कितना प्रॉफिट दिया, 668 करोड़ का प्रॉफिट दिया अभी तक इसने, ठीक है। तो कंपनी के देखिए ईयर ईयर वाइज भी कंपनी अच्छे रिजल्ट दे रही है, और क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी पिछले लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी अच्छे रिजल्ट दे रही है, पिछले लास्ट 4 साल से कंपनी अच्छे ही अप ट्रेंड की तरफ है। और जिस तरह से मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, न्यू व्हीकल, और देखिए आपसे देखिए कि जैसे डिमांड बढ़ रही है व्हीकल्स की, यानी कि आप समझ सकते होंगे कि जितनी भी डिमांड बढ़ रही है व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें एक ABS का और ASS का प्लास्टिक का जो यूज़ होता है, तो उसका तो देखिए सबसे बेस्ट बंसाली इसके अंदर बेस्ट है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंडिया की दो ही कंपनी है जो इस प्लास्टिक के अंदर डील करते हैं, उसमें बंसाली भी है, एक दूसरी है, तो दोनों को ही बिजनेस मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है कि हम कंपनी जो चूज़ करते हैं, उस कंपनी को चूज़ करने की वजह क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये जरूर समझना होता है आपको। ये तो ओवरव्यू बात हो गई, ये क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट होगा, ये रियल वाइज हमने रिजल्ट देख लिया। आप समझते हैं इसका मोटा मोटा ओवरव्यू, समझते हैं टिकट टेप की साइड पर आ चुका मैं। ये देखिए एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही कंपनी, ठीक है। आप समझते हैं असली बात कहाँ, चार्ट पे। ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, आपको रेड कैंडल दिख रही होगी, ये लोगों ने अपना प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बुक किया है, बाकी कंपनी रिजल्ट अच्छा है आपको दिखा दिया मैंने पिछले लास्ट क्वार्टर्स के और ईयर ईयर वाइज रिजल्ट दिखाया, बाकी चार्ट पे देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, देखिए 41% डिलीवरी उठाई, कोई मामूली बात नहीं है 43% डिलीवरी उठाना, तो ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, क्योंकि देखो लाइफ टाइम हाई पे जब भी कोई शेयर आता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होती है, क्योंकि लोग समझते कि आगे जाएगा जाएगा, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को सोचते जाएगा नहीं जाएगा, बाकी बड़े इन्वेस्टर्स में पता है क्योंकि जब इसे लाइफ टाइम पहुँचा तो और भी इसमें अप ट्रेंड आएंगे। तो अब इसमें अगर आपको लगता है कि डाउनफॉल जाएगा, तो मेरा मानना है कि ये 195 से नीचे नहीं जाएगा, आप इसमें 195 का स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन में दो टारगेट तो इसका डेफिनेटली अचीव होंगे, पहला टारगेट है 220 का, दूसरा टारगेट 230 का, और तीसरा टारगेट थोड़ा लेट आएगा, वो है 240 रुपया। चार टारगेट में 240 में अप ट्रेंड दिख रहा है मेरे को इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं इसका वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसका वीकली चार्ट ओपन हो रहा है, तो ये देखिए वीकली चार्ट पे भी किस तरह से ये देखिए किस तरह से ये भगता रहा, धीरे धीरे ये करेक्शन होता, फिर बढ़ रहा करेक्शन हो, फिर बढ़ रहा करेक्शन हो, फिर बढ़ रहा है, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर ये पूरे डेफिनेटली अप ट्रेंड की तरफ हो चुका है। तो हमें कुछ नहीं करना, 195 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का पर्पस से इन्वेस्ट करके होल्ड करिए, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि डिमांड इस प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, और फ्यूचर को ही समझ के हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इस कंपनी का फ्यूचर है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप बाय करिए, पैसे साथ बने सकते हैं इसके अंदर, बाकी आप अपना फंडामेंटल, अपना दिमाग, अपना एनालाइज करके खुद से ही इसको बाय करेंगे, ठीक है, अपने प्रॉफिट मेकिंग खुद करेंगे इसके अंदर। बाकी मुझे 240 तक इसमें लेवल दिख रहा है आने वाले एक से डेढ़ महीने में। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।